नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पैन कार्ड का फॉर्म होता है उसको आप कैसे भर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली फॉर्म को मैंने भर लिया है, आपको बताता हूँ आप कौन से कॉलम में आपको क्या भरना है। ये मैं एक एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको ओपन करके बता रहा हूँ, तो आपको इसको भरना जो है फिजिकल यानी कि पेन से भरना है इसको। तो कैसे क्या करना है आपको इस वीडियो में आपको बने रहना है और पूरा वीडियो आपको देखना है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि दोनों साइड में आपको फ़ोटो लगाना होता है, तो फ़ोटो को सही तरीके से कट करके लगा लीजिए फ़ोटो। उसके बाद यहाँ फ़ोटो लगाने इस साइड में फ़ोटो लगाने से आपको थोड़ी जगह नीचे छोड़ देनी है। ये जो कॉलम बना है चौकोर इस पर, और इस साइड में आपको एक सिग्नेचर करना है यानी कि क्रॉप सिग्नेचर, यानी कि आधा सिग्नेचर फ़ोटो पर जानी चाहिए और आधा उस पेपर पर जाना चाहिए, आधा आधा सिग्नेचर दोनों साइड आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एरिया कोड और रेंज कोड डालना है, तो एरिया रेंज कोड डालने के लिए आपको आपका एरिया जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी ज़िला है वो सर्च कर लीजिए गूगल पे, और उसका एरिया कोड लिख कर सर्च कर दीजिए, उसका सर्च आ जाएगा और वहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर 3 BPLW जो भी आपका कोड है वो डाल देना। उसके बाद यहाँ फुल नेम, तो प्लीज़ सेलेक्ट टाइटल एज पॉसिबल आप श्री SMT कुमारी, यानी कि अगर आप किसी जेंट्स का यानी कि मेल को बना रहे हो तो आपको श्री पे टिक करना है, और अगर फीमेल यानी कि महिला का बना रहे हैं और वो शादीशुदा महिला है तो आपको SMT यानी कि श्रीमती पे टिक करना है, और महिला का बना रहे जो महिला मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको कुमारी पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम में जो भी सरनेम है लास्ट नेम आधार कार्ड के हिसाब से वो डाल देना है, और फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही डालना है। अगर सिर्फ लास्ट नेम है सरनेम नहीं है आधार कार्ड में तो आपको लास्ट नेम फिलअप करना है। जैसे ये अब दो नंबर कॉलम में आप देख लीजिए ऑफ द अबव नेम इज फुल नेम, जो भी आप पैन कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हो नेम वो नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर नाम लिखना है और एक कॉलम छोड़ के सरनेम लिख देना है, और 3 नंबर कॉलम पे आपको अगर आधार से नेम है आपका तो यस कीजिए और नो, दूसरा कोई अगर और नेम है तो नो पे कर दीजिए। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे मेल है फीमेल जो भी हो उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, और 5वें नंबर कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ 01 और मंथ ईयर लिख देना है, ठीक है। कैपिटल अक्षर में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और 6वें नंबर के कॉलम पे आपको नो ही करना है, हमेशा इसको नो ही करना है। और यहाँ पे फादर्स नेम, इसको नो पे सेलेक्ट करने के बाद फादर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिख दीजिए कैपिटल में, और मदर्स नेम आपको नहीं लिखना है इसमें। अगर आप किसी महिला का बना जिसकी शादी हो चुकी है तो भी फादर का नेम ही आएगा, मदर्स का नेम आप नहीं ले सकते। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पे टिक कर देना है, और 7 नंबर पे कॉलम पे आ जाना है फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर, जो भी आपका नंबर है आधार कार्ड में देख लीजिए, अगर नहीं भी है तो आप इसमें 00 कर सकते हो और 01 के हिसाब से कर सकते हो, और विलेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस का नेम और सब डिविज़न तालुका मतलब तहसील का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, ज़िले का नाम आएगा, और स्टेट तो यहाँ पे जो भी स्टेट है आपके जो राज्य है उसका नाम आ जाएगा, और आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए, एक कॉलम छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्री का नाम इंडिया लिख देना है, ठीक है। तो ये जो प्रिंट है, अब इसके बाद 8वें नंबर कॉलम पर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो चलिए वो हो भी मैं लोड करता हूँ अभी। ये 7 नंबर है तो इसको तो छोड़ देना है, ऑफिस एड्रेस इसको छोड़ देना है, अगर आप ऑफिस पे इसको मंगवाना चाहते हैं पैन कार्ड को तो ऑफिस पे टिक करना है, या तो फिर यहाँ पे रेसिडेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप ऑफिस पे मंगवाओ तो ऑफिस पे क्लिक करके ऑफिस वाला कॉलम सेम जो भरा था वैसे ही इसको भरना है। अब यहाँ पे 8वें पे हो गया, ठीक। अब 9 नंबर कॉलम में आपको यहाँ पे कंट्री कोड डालना है, तो यहाँ पे +91 डाल दीजिए इंडिया का। उसके बाद STD कोड है तो डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए कैपिटल में,
और 10वां नंबर पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, आपका खुद का पर्सनल बना रहे हो तो। अगर कंपनी का है तो कंपनी भी सेलेक्ट कर लीजिए। और 11वां नंबर कॉलम छोड़ देना है, ये सिर्फ कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड के लिए होता है। 12वें नंबर पर आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, ठीक है, आधार नंबर लिखना है। इनरोलमेंट आईडी हो तो लिख दीजिए, मैं वरना कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आइए तो नेम इस पर आधार, जो भी आधार कार्ड में नाम है वो नाम लिख दीजिए। अब 13वें नंबर पे सोर्स ऑफ इनकम, तो स्टूडेंट के लिए हमेशा सोर्स ऑफ इनकम पे नो इनकम आएगा, ठीक है। और अगर आप नो इनकम, और अगर आप फार्मर या और अदर्स, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे भी क्लिक कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए नो इनकम पे क्लिक करना है। और जो 14वां नंबर कॉलम है इसको छोड़ना है, 14वां नंबर कॉलम को। और 15वां पे वी हैव इंक्लूड, तो यहाँ पे जो आप अटैच कर रहे हो इसके साथ में उसका नाम लिखना है। तो वोटर आई डी, तो वोटर आई डी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपके पास है वो लिख देना। तीनों कॉलम में सेम वही आएगा। अगर आप आधार कार्ड प्रूफ के लिए जो भी यूज कर रहे हो, और एड्रेस के लिए जो यूज कर रहे हो वो लिखना है, ठीक है। वी, तो वी पे आपका जो भी पूरा नाम अभी ऊपर लिखा था वो लिख देना है। और यहाँ पे सेल्फ लिखना है। और प्लेस में क्या लिखना है, प्लेस में आपको लिखना है आपका विलेज का नाम भी लिख सकते हो या डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आप चाहो। और पोस्ट का नाम भी लिख सकते हो। और डेट में आपको जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।